सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है तीसरा दिन अलेक्जेंड्रिया में और आज है जुमा। तो आप सभी को जुमा मुबारक। और आज का तो कुछ ऐसे प्लान नहीं है बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं कायरो रिटर्न। तो जुमा का वक्त हो चुका था तो जुमा पढ़ेंगे, जुमा अदा करने के बाद फिर कायरो के लिए बस पकड़ेंगे। ये मस्जिद है आसपास का एरिया, ये अपार्टमेंट के काफी नजदीक है। ऑरेंजेस गाइस, ऑरेंजेस का सीजन आ चुका है तो इसी मस्जिद में हम लोग नमाज अदा करके निकलेंगे। सो गाइस, जुमा की नमाज हमने अदा कर लिया है, अभी हम लोग निकलेंगे अपार्टमेंट की तरफ और जो भी थोड़ी बची बची पैकिंग है वो पैकिंग कंप्लीट करके फिर बस स्टेशन के लिए निकलेंगे। ये आसपास का नज़ारा देख लीजिए आप। सब हम जा रहे हैं घर। चलो हम लोग जा रहे हैं अभी बैक टू कायरो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काफी अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत ही, दो तीन दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। यहाँ से हमने कुछ सैंडविचेस लिया है खाने के लिए रास्ते में। सो गाइस, ये सैंडविच प्रिपरेशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे जस्ट बाजू में एक मीट शॉप भी है। ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, मीट कटिंग वगैरह हो रहा है। और हेलो बोलो, लोग एंजॉय कर रही है। तो अभी 5 मिनट में हम लोग का ऑर्डर रेडी हो जाएगा और उसके बाद बस भी आई थिंक 10-15 मिनट में निकलेगी, फिर हम लोग चले जाएंगे कायरो। ये सैंडविच बन रहा है हमारा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड बस में बैठ चुके हैं हम लोग अभी और ऑलमोस्ट सब सीट फुल हो चुकी है और 5 से 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। लकीली मैंने रास्ते में खाने के लिए कुछ शॉर्मा टाइप लगी। उसके बाद देखिए रुकेंगे लोग कैफे के लिए, कोई कैफेटेरिया होगा कॉफ़ी वगैरह के लिए। उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद हम लोग कायरो पहुँचेंगे रामसेस। फिर रामसेस के बाद उबर लेके हम लोग जाएंगे हमारे घर नसर सिटी। तो आप लोग मिलते हैं रास्ते में, अगर कुछ चीज़ दिखी तो आपको दिखाएंगे। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस अलेक्जेंड्रिया। आई थिंक नोबडी वुड हैव एक्सप्लोर्ड अलेक्जेंड्रिया लाइक हाउ वी डिड।
स्पेशली दैट गोल्डन जूस लिया, शुगर केन जूस लिया। रिमशा ने क्या लिया? शो रिमशा फ्रोजन लिया, ए बी सी डी वाला सेट है ना मम्मा, अभी ए बी सी डी पढ़ना घर पे आके अच्छे से, ठीक है? अब इंशाल्लाह कहाँ जाएंगे? लक्सर एंड अस्वान इंशाल्लाह, नेक्स्ट बड़ा ट्रिप ये भी हम लोग रास्ते में। बाय बाय अलेक्जेंड्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच मेमोरेबल मोमेंट्स, हैप्पीनेस, यू नो, गुड मेमोरीज, एंड वी रियली एंजॉय। और यहाँ का ना बहुत अलग ही मतलब वेदर है बोल सकते हैं, यहाँ तो पीपल आर वेरी साइलेंट, इधर वेरी नाइस जेंटल, इवन दो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देम बट समहाउ वी कम्युनिकेट ईच अदर, एंड लकीली I have my friend Rami here, so whenever I was stuck somewhere, so I used to call him and he just sorting all the things out, yeah. So that was a good experience, Arabian cafe. बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, और ज़्यादा hectic भी नहीं लगा। नहीं है, अभी just market यहाँ पे open हो रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट, फिर रात में लेट नाइट तक मार्केट रहते हैं यहाँ पर, दो तीन बजे। कल रात में खुद मैं घर पर 3 बजे आया, रामी के साथ गया था कैफे कुछ हैंग आउट करने के लिए, बिकॉज जब से मैं यहाँ पर आया हूँ उतना दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि हम लोग सब सारी चीज़ें कवर करने में ही बिजी थे। तो रात में मैं गया 12 बजे और घर पर आया 2:30 बजे, तो काफ़ी अच्छा लगा पुराने दोस्त को मिल के, आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ के बाद मैं मिल रहा था उसे। वो भी चला जाएगा दुबई, वो भी यूएई जा रहा है, हाँ मिलेगा बोला वो। और बाय द वे उसने कहा कि जो अफ्रीकन पास है उसका ट्रिप हम लोग साथ में करेंगे, उसकी कार सर्विसिंग के लिए गई है और वो थोड़ा काफ़ी बिजी भी है, तो उसने कहा कि उसको जाना है अफ्रीकन पास, तो उसको भी जाना है, तो बोला कि वी विल एक्सप्लोर दिस टुगेदर, और काफ़ी और 2-3 फ्रेंड्स को हम लोग पूछेंगे ऑफिस में से। हाँ मम्मा व्हाट हैपेंड? चलो बाय, रिमशा से बाय, और बाय। रबा है,
ये जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है ये अब्बास अलैत की तरफ जाता है, और अभी हमने यू टर्न लिया है, और ये जो रोड है ये नसर रोड है, और आगे से राइट लेंगे हम लोग तो वो यूसुफ अब्बास। चुके हैं हमारे बिल्डिंग के नीचे।